इसके पहले हम लोगों ने महत्वपूर्ण 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था, और एक तरह से देखा जाए डाउट क्लियरिंग क्लास में हम यहाँ से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को हल कर देंगे। अगर आपने पीछे से मेरी क्लास पढ़ते आ रहे होंगे या आप लगातार हमारी क्लास देख रहे होंगे तो आपको यहाँ जरा सा भी एक प्रश्न का भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप क्लास छूट गई भी होगी तो सारा रिविजन हो जाएगा, मैंने सारे कॉन्सेप्ट हम रिविजन कर देंगे। कोई प्रश्न अगर ऐसा आता है जिसका पिछले प्रश्न से कोई प्रत्यक्ष अपत्यक्ष संबंध हो तो उसे भी हम डिफाइन कर देंगे, उसे भी हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस बात से कतई आपको चिंता नहीं करना है, आराम से आप पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 51 प्रश्न को देखा जाए तो 51 प्रश्न क्या है जी, यहाँ से आपके कोई डाउट नहीं रह जाएगी। 51 प्रश्न ये कहता है, यहाँ पे आपके बीच है, 1000 से कम कितनी संख्या ऐसी हैं जो 10 और 13 दोनों के गुणज हैं। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए? तो बहुत ही आसान सा फंडा है, आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पहले 10 और 13 का एलसीएम निकालेंगे। हम क्या करते हैं, 10 और 13 का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे इसका 10 और 13 का, तो पता चला इसका एलसीएम 130 होगा। अब क्या करेंगे, जब हम 130 एलसीएम मिल जाएगा तो हम उन सभी संख्याओं को 1000 में भाग दे देंगे। 1000 में भाग देंगे तो कैसा होगा ये देखते हैं नए पेज पर। जब हमने से पूछा गया तो हमने पहले एलसीएम निकाला, क्या निकाला, एलसीएम निकाला 10 और 13 का, तो हमें जो एलसीएम प्राप्त होगा 10 और 13 का वो होगा 130। हमें क्या करना है, कह रहा है 1000 तक की संख्याओं में, तो हम यहाँ 1000 लिखेंगे और 1000 में क्या करेंगे, इसी से भाग दे देंगे एलसीएम से। ये जाएगा 7 बार, ये हो जाएगा 63,91,910, माने 90 बचा, इसे कोई मतलब नहीं। हमारा जो आपका उत्तर था वो क्या हो गया, 7। क्या हो गया, 7, माने 7 ऐसी संख्याएं हैं। अब आते हैं प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है, ध्यान से एक बार आप प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है 100 से कम कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 10 और 13 दोनों के गुणज हैं। तो आपने और हमने ये देखा कि ऐसी संख्याएं कितनी हैं, 7 हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। डी कैसे होगा मैंने आपको बता दिया। अगर इस तरह के कभी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना करना है कि जिसका पूछेगा उसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में दी गई संख्या से भाग देंगे, भागफल जो आएगा वही उत्तर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, पहले हमने 10 और 13 का एलसीएम निकाला, एलसीएम निकलने के बाद दी गई संख्या में डिवाइड किया और जो आया उससे हमने उत्तर के तौर पर लिख दिया। इस प्रकार जब भी कभी भविष्य में प्रश्न है 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 2000, 1000 से लेकर 2000, किन्हीं के बीच अगर इस तरह की संख्या पूछेगा तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, घर बैठे आपको पूरी तैयारी कर लेनी है, पूरा रिवीजन कर देंगे। अगर आपने मेरा एक दो लेक्चर छूट भी गया होगा तो आज पूरा रिपीट हो जाएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो हमने ये देखा 10 और 13 का पहले गुड़जों का, जब भी गुड़ज कहता है, गुड़ज का माने एलसीएम होता है, हमने 10 और 13 का एलसीएम 130 निकाल दिया, उससे डिवाइड कर दिया, इससे हमें क्या हो गई, 7 प्राप्त हो गया। अब अगली संख्या देखते हैं, अगली संख्या देखिए यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9 से लेकर 19 तक के योगफल के बारे में पूछा है। इसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा। सबसे पहले देखिए अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लगवाते हैं। हम अगर इसको स्टार्टिंग से लगवा दें n n 1 प्लस, उसके बाद 1 से लेकर 4 तक के योग को घटा देंगे तो ये 2 से 3 तरीके से लग सकता है। इसका लगाने का तो 3 तरीका है, देखिए मैं अपना तरीका बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, हाँ पूरा यन निकाल लेते हैं। यन निकालने का फार्मूला क्या, किसी को पता है? यन निकालने का फार्मूला है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या। अंतिम संख्या क्या है, 19, और पहली संख्या है 5, पूरे बटे सर्वांतर माने 1, सर्वांतर माने बीच का डिफरेंस, तो 19 प्लस 5 किया 14। यन कितनी हो गई, 14। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 52 का यन कितना निकल गया, 14 निकल गया। अब जब यन निकल जाएगा फिर हम आगे करेंगे प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या। प्रथम संख्या क्या, 19, अंतिम संख्या 5, बटे 2 गुणे यन माने 14। तो 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, कितना होगा, 1905, 1905 24 × 7, 24 × 7, तो 7 × 4 = 28 और 7 × 2 = 14, 2 × 16 = 168। आइए देखते हैं 168 है विकल्प में, नहीं 168 तो नहीं है, 52, 5, 6, 7, 8, 19 एक बार देखते हैं कहाँ गलती हुई। गलती हुई, पहले हमने सर्वांतर निकाला, 19 में 5 गया, 14 हो गया, और फिर प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे दो, 2 से 14 काटेंगे 7, 1905 24, 24 × 7 = 28, 7 × 2 = 14, 2 × 16 = 168 ही तो हो रहा है। एक मिनट, हमसे दोबारा लगाने का प्रयास करते हैं, 15 है, एक मिनट, क्या से हुआ,
पाँच छः सात आठ नौ 19 तक का योगफल निकालना है। तो प्रथम संख्या धन 15 है, एक मिनट हमें देख लेते हैं, 19 है ना, तो यहाँ पे प्रथम संख्या हो जाएगी आपकी 19, अंतिम संख्या आपकी 5। अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या बटे सर्वांतर एक का है, तो 14 में से 5 गया, 19 में से 5 गया, 14 होगा, यहाँ पे 14 हुआ आपका, और ये निकल गया आपका यन, यन बराबर हो गया, अब हो जाएगा यन 15 होगा कहाँ से, अच्छा हाँ प्लस एक, सॉरी प्लस एक होता है, प्लस एक सॉरी, हाँ तो ये हो जाएगा आपका, हाँ ठीक। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे यन, यन निकालने का जो फॉर्मूला इस तरह से है, वेट वेट हो जाएगा यन बराबर अंतिम संख्या हो गया 15 माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 होता है, तो ये हो जाएगा 14 बटे 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 14 प्लस 2, कहाँ हो रहा है, रुक जाइए एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुकिएगा जल्दबाजी में थोड़ी सी दिक्कत ही देखिएगा, ये हो जाएगा आपका यन बराबर अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सर्वांतर प्लस एक, तो हो जाएगी 14 प्लस एक, तो यन बराबर 15। अब योगफल निकालने का फॉर्मूला हो गया अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या पूरे 1/2 गुणे यन माने 15, तो हो जाएगा 24/2 गुणे 15, ये 2 से कटेगा 12, हो जाएगा 12 × 15 बराबर 180। इस प्रश्न का जवाब आपका होगा 180, अर्थात इसका विकल्प नंबर सी इसका सही है, विकल्प सी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ, अगला आपका है यहाँ पे ऐड करना है, 4 है, 4.44 है, 0.4 है, फिर 44.04 है, फिर 444 है, इस प्रकार के प्रश्नों को जोड़ने के लिए बहुत ही आसान तरीका, मैं यहाँ पे बगल में ही जोड़ दे रहा हूँ, पहले 4 दिया है, 4 के बाद दशमलव लगा के हम कितना भी जीरो लिख दे से कोई मतलब नहीं है, दोबारा क्या है 4 के बाद 0.44 है, फिर यहाँ पे 0.4 है, नंगा नहीं रखते इसके आगे जीरो लगा सकते हैं, फिर क्या रहा है 44.04 है, फिर है 44.04 है, अच्छा 53 छूट गया, वेट अच्छा कर दे रहे हैं 53 छूट गया, अच्छा ठीक है 53 छूट गया हम कर दे रहे हैं, ये हो गया, फिर है 444, फिर आपका हो गया 444, इन्हीं को ऐड करना है, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे हम जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई मतलब वैल्यू इसकी कम ज़्यादा नहीं होती, ऐसा हम दशमलव हम लोग पढ़ लेंगे, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे हो गया 0, फिर इस लाइन में 4 और 4 आपका 8, फिर यहाँ पे 4 और 4 8 दशमलव, ये हो गया 4 4 8, 4 12 4 16, 4 4 8, 4 12 4 16, ये 6 हो गए, फिर यहाँ हो गए 4 4 8, 4 4 8, 4 12 4 16, 4 4 8 9, बैठे यार यहाँ तो एक ही में हो जा रहा है, साफ दिख रहा है, एक मिनट यहाँ पे होगा 4 4 8 1 9, फिर ये हो जाएगा 4, हो जाएगा आपका 496.88, 496.88, इसमें से होगा इसमें से कोई नहीं, इसका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा वो ये आएगा 496.88। फिर एक क्वेश्चन छूट गया 53, 53 में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे जगह कम है, मैं अगले पेज पे लेके प्रश्न को चलता हूँ, तो शायद वहाँ पे आपका आसानी से हो जाएगा, 10.30 और 1 है, 10.301 है, और फिर इसमें होगा प्लस 9 के बाद, 9 के बाद 1 2 3 4, ये प्लस करना था, हो जाएगा 10 10 10 10, ये हो गया आपका 20.000, ठीक। अब इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था जी, सब्ट्रैक्ट करना है आपको 9.8 दशमलव है,
8.9995, यही है ना, 8.9995। यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 0.0011, 11.00005। इस प्रकाश का आंसर क्या होगा? ये होगा सी, इसका भी हो जाएगा आंसर सी। अब आपका प्रश्न नंबर, हम लोग बढ़ते हैं 55 पे, प्रश्न नंबर 55। थोड़ा सा आप कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा, कौन कौन लोग लाइव हैं। देखिए दशमलव के सवाल हैं ये, कौन कौन लोग लाइव है जरा कमेंट करके जल्दी से जवाब दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा 55 बचा हुआ है, 55 पे हमें क्या करना है, 55 में भी ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के लिए है, यहाँ पे हम दशमलव के एक साथ जोड़ देते हैं, आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। यहीं से ये है 2, 2, 1, 3, 2, 5, यहाँ पे हो गया 5, फिर हो जाएगा 1, 2, 1, 3, 2, 5, ये हो गया 5.5 यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या बचा है, 2, 2, 4, 2, 6, 6 हो गया, फिर 1, 2, 1, 3, फिर 2, 5, फिर हो गया 2, 2, 56.55, 2, 2, 56.55, कहाँ गया जी, पहले ये हो गया, पहले अंक में 1, 2, 2, ये 5 है, ये 5, 255.55, माने इसका ए सही है, 55 का ए राइट आंसर है, 55 का ए राइट आंसर है। फिर आते हैं 56 का, तो जगह नहीं है ना, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है दशमलव। 56 का बताइए, इसमें क्या करना है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, दशमलव सवाल में थोड़ा समय बर्बाद हो रहा है मेरा, ये जगह खाली नहीं इस पेज पे, अगले पेज पे कितना क्लास प्रश्न लिखा जाए। यहाँ पे देखिए इन दोनों को ऐड कर देना है, और इनको ऐड कर दीजिएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा, माने सब पॉजिटिव को ऐड कर दीजिएगा, या इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दीजिएगा, जितना आएगा इसमें जोड़ दीजिएगा। ये तीन तरीका है लगाने का जी, जो भी आएगा इसका आंसर इन दोनों को जोड़ देंगे, लगभग ये 3, 2, 5 होगा, 5 में से एक जाएगा, फिर 4 होगा, फिर एक होगा, तो ये आप 56 कर लीजिएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न आइए, देखिए ये भी हल कर लेंगे, 57 में हल कर लेंगे, उसके बाद 58 से हम लोग को बताने लायक प्रश्न है। पहले तो आप ये भी हल कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए सबको ऐड करना है, ऐड कर लेंगे आप आसानी से, जल्दी से ऐड करके कमेंट करके जवाब दीजिएगा। इसका क्या होगा, 14, 15, 23, 23, 40, 49, इसका क्या होगा, एक बार ऐड करके आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या होगा इनका, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, प्लस ही करना है, जोड़ ही करना है, उम्मीद करता हूँ कर लेंगे। अब जो प्रश्न है वो काफी मजेदार है, यहां से प्रश्न लगाने का देखिए, यहाँ पे अब प्रश्न हम लोग को जो बताने लायक है, तो वह एक बंदर एक चिकने खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है जिसकी ऊंचाई 14 मीटर है, पहले वह 2 मीटर चढ़ता है, अगले 1 मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, वह खंभे पर चढ़ने में कितना समय लेगा। आइए इस प्रकार एक खंभे को हम बनाते हैं, फिर उसके बाद इस कहानी को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, 57 का लोगों ने अपने जवाब बताया है बी जी, देखिए 57 के लोगों ने बता दिया बी है, तो बी इसका राइट आंसर है, कमेंट करके लोगों ने बताइए, लाइव क्लास चल रही है। आगे हम देखते हैं 58 को लगाते हैं, ये काफी रोचक और मजेदार सवाल हमें और आपको भी लग रहा है। कह रहा है 14 मीटर खंभा है, एक खंभा क्या है, 14 मीटर का खंभा है, मान इसकी लंबाई जो है वो 14 मीटर है। ठीक है, जमीन से कितनी, 14 मीटर है। अब कह रहा है कि एक बंदर पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, फिर अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। तो इस प्रश्न को लगाने के लिए एक तरीका मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें यह देखना है कि बंदर एक बार में कितना चढ़ता है, 2 मीटर, तो यहाँ पे हम 2 मीटर जगह कम कर देंगे, जब 2 मीटर की जगह कम कर देंगे तो ये बचेगा 12 मीटर का खंभा, कितना बचेगा 12 मीटर का खंभा, अपने अपनी कैलकुलेशन इस 12 मीटर के खंभे पे करनी है। अब आगे कह रहा है कि जब बंदर 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट फिसल आता है, माने 2 मिनट में बंदर 2 मिनट में कितना चढ़ता है, 1 मीटर चढ़ता है। मेरी बात को गौर समझिएगा, यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, एक बंदर एक चिकने खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है जिसकी ऊंचाई 14 मीटर है, वह पहले 2 मिनट चढ़ता है, तो पहली बार जितना चढ़ता है उतना खंभे को माइनस कर देंगे, हम पढ़ेंगे 12 मीटर खंभे से, 12 मीटर चढ़ता है तो यहाँ पे पहले मिनट 2 मीटर जाता है, फिर 1 मीटर खिसक आता है, माने 2 मिनट में वह 1 मीटर ही चढ़ पाता है। ठीक, अब क्या कह रहा है,
अब उसे 12 मीटर खंभा चढ़ना है, तो क्या करना होगा? जब 12 एक मीटर चढ़ता है तो 12 मिनट, ये 12 मीटर खंभा चढ़ना है तो यहाँ पे गुणे 12 करेंगे और यहाँ पे भी गुणे 12 करेंगे, तो ये हो जाएगा 24 मिनट में बंदर कितना 12 मीटर खंभे पे चढ़ेगा। अब यहाँ पर 24 मिनट हो गया, ध्यान से समझिएगा, 24 मिनट हो गया और बंदर अभी यहाँ पहुंचा है। अब की बार जब कूदेगा तो डायर बंदर कहाँ बैठेगा? यहाँ पे आके बैठेगा। और इस बार क्या होगा, 1 मिनट और जाएगा तो 25वें मिनट में बंदर कहाँ होगा? एकदम ऊपर होगा। 25 मिनट बंदर कहाँ होगा? एकदम खंभे के ऊपर होगा। इसलिए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, 25 मिनट, अर्थात इसका उत्तर बी सी विकल्प सही है। 25 मिनट सी विकल्प सही है। जरा आप कमेंट करके बताइएगा, आप लोग कितने लोग को ये समझ में आया कि बंदर ऊपर चढ़ा फिर नीचे आया फिर ऊपर चढ़ा फिर नीचे आया, ये वाला कॉन्सेप्ट कितने लोग को समझ में आया? बताइए। इसका क्या होगा, 25 मिनट होगा। ठीक है, कारण क्या है कि लास्ट बार जब बंदर चढ़ता है तो नीचे नहीं फिसलता, नहीं वो अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता है। जल्दी से बताएं कौन कौन लोग लाइव है, बताऊं थोड़ा ध्यान समझिएगा। पहले तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमने खंभा बना दिया। इस खंभे की जो लंबाई है वो टोटल 14 मीटर है, इतनी है 14 मीटर है, ध्यान समझिएगा। और एक बार में जब बंदर चढ़ता है तो कितना चढ़ता है, वो 2 मीटर चढ़ता है, तो 2 मीटर हमने यहाँ से पहले कम कर दिया, हमेशा पहले 2 मीटर कम कर दीजिए, तो खंभा कितना बचा, ये बचा खंभा 12 मीटर का बचेगा। कह रहा है कि एक बंदर है कि वह 1 मिनट में, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है फिर अगले मिनट में फिसल आता है, जब 1 मिनट फिसल आएगा तो क्या होगा, बंदर 2 मिनट में, 2 मिनट में कितनी दूरी तय करता है? 2 मिनट में बंदर 1 मीटर ऊंचाई पर चढ़ता है, ठीक। लेकिन अब उसे 12 मीटर चढ़ना है, तो 12 मीटर चढ़ने के लिए क्या करना होगा, इधर भी मल्टीपल 12 करते हैं, इधर भी मल्टीपल 12, दोनों पक्षों में 12 करेंगे, तो ये हो जाएगा 24 मिनट में बंदर कितना चढ़ेगा, 12 मीटर चढ़ चुका, मानी बंदर अब यहाँ पहुंच चुका है। अब अगली बार जब बंदर कूदेगा तो पहुंच जाएगा, फिसलेगा नहीं क्योंकि वो लक्ष्य पर पहुंच गया और हमें लक्ष्य पर पहुंचाना था, तो मतलब अगले पल 1 मिनट में बंदर जाएगा, 25 मिनट में कितनी मीटर, 2 मीटर चढ़ेगा, तो बंदर हो गया कितना, 12 2 14 मीटर खंभे पे चढ़ जाएगा, कितने मीटर, 14 मीटर खंभे पे चढ़ेगा। अब बताइए, अब कितने लोग को समझ में आया, अब कितने लोग को समझ में आ गया, कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि अब बंदर जब चढ़ेगा तो दोबारा वापस लौटकर नहीं आएगा, तो हमने ये देखा कि बंदर पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता था फिर फिसलता था फिर चढ़ता था फिर फिसलता था, इस प्रकार बंदर अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच जाएगा। अब बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि अगर डायग्राम से समझेंगे तो पूरे जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे और कभी गलत होगा भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, देख लीजिए प्रश्न को, 58 नंबर था प्रश्न, नंबर क्या था, 58। इसका उत्तर क्या आया, 25 मिनट आ गया। तो ये बताइए जरा कमेंट करके बताइए कितने लोग को समझ में आ गया, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने लोग को समझ में आया। आप लोग में से जितने लोग लाइव हैं जरा कमेंट करके बताइएगा कितने लोग को समझ में आया। वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं, कोई बहुत जरूरी नहीं कि आप अभी देख पाएं, बाद में भी आप इसे देख सकते हैं, अगर बाद में देख रहे हैं तो भी अपना फीडबैक दीजिएगा। एक यहाँ पे ये वर्ग का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक का प्रश्न है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें इसका फॉर्मूला होता है यन यन +1, फिर होता है 2n+1 पूरे का बट्टा 6। इसी फार्मूले का यूज करके आपको क्या करना है, इस प्रश्न को हल करना है, और एक बार 1 से लेकर 20 तक का निकाल लीजिएगा, फिर 1 से लेकर 4 तक का घटा देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपका समय जाएगा, अगर आपके हाथ हम लगा के दिखाएं, नहीं तो आप लगा सकते हैं, अगर तो लगा लीजिएगा। इसका इसको दो तरीके से लगाते हैं, अगर हम इसको लगा के दिखाते हैं आपको, तो ये इस तरह से लगेगा, ये कितने के स्क्वायर से था, ये आपके 5 के स्क्वायर से 20 का ना, 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर ये 20 का स्क्वायर है। तो हम अगर 1 से लेकर 20 तक का निकलवाएंगे तो कितना यन होगा, 20 यन होगा, तो 20 हमने देखा यन यन प्लस वन, अच्छा हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, यन
एन प्लस वन टू एन प्लस वन पूरे का बटा सिक्स, इसी फॉर्मूले के तर्ज पर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे से चलते हैं, पहले हम लोग लिखेंगे 20 हो गया टोटल 20, एन वन माने 21, 21 हो जाएगा ना, 20 प्लस वन लिखे, अच्छा इसे लिखते हैं एन प्लस वन, दूसरे में 2n माने 20 गुणे 2 प्लस 1 पूरे का बटा 6 में से क्या करते हैं 4 तक का घटा देते हैं। इसका क्या करेंगे, 1 से लेके 4 तक का घटा देंगे, तो 4 तक में 4n होगा, तो 4 4 प्लस 1 फिर हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1 1 पूरे का बटा 6, ये हो जाएगा आपका 20 गुणे 21, 20 गुणे 21 गुणे 40, दूना 20 दूना 40 प्लस 1 41 बंटे 6 माइनस, ये हो जाएगा 4 गुणे 5 गुणे 4 दूनी 8 है 9 बटे 6। इसे को हल कर लीजिएगा, तो हल करके कितना है, किसी ने जवाब तो दे दिया है, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 दूना 6, 3 सते 21, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 10, 7 दहा में 70, फिर 70 गुणे करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा 2870, इधर का हो जाएगा 2870 माइनस, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तीन 6, 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, 2 पच्चीस 10 तीन 30 घटा देंगे तो हो जाएगा 2840। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा 2840, कितना हो जाएगा 2840, ये हो जाएगा 2840, क्योंकि हमने क्या करना है 1 से लेके 4 तक का घटा देना है, फिर 5 से लेके 20 तक का मिल जाएगा। इस प्रकार इसका उत्तर जो मिला वो हमें क्या मिला, 2840, मतलब विकल्प डी 2840, विकल्प क्या मिल गया, डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है कि यदि ए क्यू प्लस टू तीन क्यू चार क्यू बराबर एन क्यू बराबर 2025 हो, 2025 हो तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 2n का क्यूब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बताइए क्या होगा, देखिए इस प्रश्न को लगाने का बहुत ही आसान सा तरीका है और हम आसानी से इसको लगा भी लेंगे, अगर आप लोग थोड़ा सा साथ दे देंगे समझ जाएंगे, ये प्रश्न बहुत ही आसानी से लग जाएगा। जल्दी से बताइए कमेंट करके एक प्रश्न कितने लोग लगा लेंगे, नहीं लगा पाएंगे तो हम लगाएं। प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60 आप लोग लगा लेंगे, अगर नहीं लगा पाएंगे तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इस सभी प्रश्नों को आपको हल करके लगा कर पूरा समझा देंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि परीक्षा में जो पढ़ रहे थे इसके पहले वो आए, इसके पहले हमने इस सारे टॉपिक को अगर रिपीट कर लेंगे पढ़ लेंगे तो परीक्षा में कोई गलती नहीं होंगे। देखिए इसका ट्रिक एक लाइन में है, अगर मैं ट्रिक पूरा बताना चाहूँ तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से अगर समझिएगा तो मैं इसको बोर्ड को साफ भी करना पड़ सकता है, ध्यान समझिएगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा तुरंत, नहीं तो मैं पूरा ड्रा करके समझाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब से लेके एन के क्यूब का जो आंसर आ रहा है वो 2025 आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम दो कॉमन ले लेते हैं अंदर क्या बचेगा, एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब प्लस, यहाँ से देखिएगा प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ दो कॉमन हो जाएगा तो एन का क्यूब बराबर, अब इतने कम ये दो का क्यूब ने बाहर ले लिया था, कॉमन ले लिया था, इतने इतने का मान बचा, इतने का मान, जब इतने का मान क्या है, देखिए यहाँ पे 2025 दिया है, एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब प्लस एन का क्यूब, तब यहाँ पे हम लिखेंगे दो का क्यूब क्या हो जाएगा 8 गुणे, इतने का मान कितना दिया है 2025, लिख देंगे 2025, तो गुणा कर दीजिए क्या उत्तर आता है 8 गुणे 2025 क्या आएगा 16200, इसलिए इसका विकल्प क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया, दोबारा बताएं, जरा आप कमेंट करके जो लाइव है वो बताएं कि आपको समझ में आ गया या इसी टॉपिक को हम दोबारा बताएं, बताइए आप लोग को समझ में आ गया, दोबारा बताएं 8 कैसे आया। देखिए हमने यहाँ पे 2 का क्यूब कॉमन ले लिया, 2 का क्यूब कॉमन ले लिया, जब 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 का क्यूब लिया यहाँ बचेगा 1 का क्यूब फिर 2 का क्यूब फिर 3 का क्यूब फिर यहाँ बचेगा 2n क्यूब में से केवल n का क्यूब बचेगा, तब इतने का मान यहाँ पे कितना दिया है 2025 दिया हुआ है,
तो 2 का क्यूब कितना होता है? 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 क्या होगा? 8 नहीं होगा। अब बताइए कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग को नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। बताइए कमेंट करके कितने लोग को समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अगला प्रश्न है 61। देखिए यहां पे डिवाइड चलने के बाहर लगा है, तो रूल आपने पढ़ा होगा बोधमास का, इसलिए पहले डिवाइड नहीं होगा, पहले ब्रैकेट टूटेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर जितना आएगा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा जी ठीक है, जी जो भी हो जरा ये बताइए। देखिए इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, जितना आएगा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर जितना आएगा 250 से डिवाइड कर देंगे। तो बताइए कितना आएगा, ताकि डिवाइड कर दें हम लोग। कितना आएगा कमेंट करके बताइए आप लोग, ये कर लेंगे ना आप लोग, कर लेंगे 61। ये कुछ करना नहीं, देखिए इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड करना है, जितना है इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है, फिर टोटल तब ब्रैकेट टूटेगा, फिर ब्रैकेट टूटे के बाद डिवाइड करेंगे या 250 बटा कर देंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे है, अगर यहाँ पे दे दिया है ए डिवाइडेड बाई बी, इसे लिख सकते हैं ए रेशियो बी, इसे लिख सकते हैं ए बटा बी लिखा जा सकता है, इसे लिख सकते हैं सॉरी ए बटा बी लिख सकते हैं ना, चले सकते हैं बी से ए में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या आप लोग को? कर लेंगे ना जो भी आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 62। 62 एकदम आसान है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कर लेंगे। 62 कर लीजिएगा आप लोग, 62 में क्या आएगा बताइए कमेंट करके, 62 में क्या आएगा? केवल मल्टीपल करना है, इसमें क्या करना है, मल्टीपल करना है, मल्टीपल करके चेक कर लीजिएगा आप, इसको उत्तर हम नहीं बताते, समय आपका कीमती है। अब 63 की तरफ चलते हैं, 63 में क्या करना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर हम यक्स मान लेते हैं, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, है यक्स मान लेते हैं, तो क्या होगा इसमें से, या इसको क्या ये माइनस है, ये उधर जाएगा प्लस होगा, ठीक। तो उसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे रहने दीजिएगा, इसमें यक्स को यही रहने दीजिए, यक्स को उठा के जब इधर ले जाएंगे तो यक्स हो जाएगा प्लस, ये इधर प्लस से इधर लाएंगे तो माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो क्या क्या मिलेगा ध्यान समझिएगा। ये 7416 है, इसको लिख देंगे 7416, ये प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1029, 1000 क्या हो जाएगा 29। फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे ये माइनस 2897, फिर माइनस 2897, अब बराबर क्या माइनस एक्स था, इधर आएगा यक्स प्लस। अब इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो मान आएगा वह क्या होगा, आपका आंसर होगा क्या आएगा बताइए, हम लोग बता रहे 3310 आएगा। इसका उत्तर क्या आएगा, यक्स बराबर 3310, मतलब इसमें से कोई नहीं, और इसका ये 62 का भी डी और 63 का भी डी, ठीक है। समझ में आया, थोड़ा सा घुमावदार था, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि आपको समस्या होगी, थोड़ा सा घुमावदार था। अगला बताइएगा 64 का, प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 कितने लोग लगा लेंगे, 64 कितने लोग हल कर लेंगे, कमेंट करके बताइएगा 64 कैसे लगेगा, 64 कैसे लगेगा। बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करके, 147 बार 329 कितना होता है, 147 बार 329 कितना होता है बताइए। बताइए कैसे लगेगा, इसमें मल्टीपल करना होता है, क्या होता है इसमें क्या करना होता है,
मल्टीपल करना होता है। कह रहा है कि 147 बार 329 कितना होगा, इसको गुणा कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 147 इंटू 329। ठीक है, क्या होगा 147 इंटू 329, बात समझ लीजिएगा, ये 147 मल्टीपल 329, ये इसका मल्टीपल करेंगे जो आपका आंसर प्राप्त होगा वही उत्तर होगा। देखिए 9 इकाई का क्या होगा, 9 7 63, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, या तो बी होगा या तो डी होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए का बी होगा कि डी होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, क्योंकि इकाई अंक से पता कर लेंगे ना, या तो बी होगा या तो डी होगा, क्योंकि इकाई अंक क्या है 7 9 63 होती नहीं आएगा, इसका मतलब इसका इकाई अंक 9 है, इसका 1 है, ये दोनों हो नहीं सकता, या तो बी हो या तो डी हो। जी कुछ लोग बता रहे हैं बी, तो इसका बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक बी राइट आंसर है। अब यहाँ पे मल्टीपल करना है, 14.8, 12.3, 8.6, तो क्या करेंगे गुणा कर देंगे, गुणा करने पे जितना आएगा 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे पीछे से, तो बताइए कितना आएगा। प्रश्न नंबर 65, प्रश्न नंबर क्या है 65 को हल करिएगा। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा सा क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट आपके। सिक्सटी फाइव का क्या होगा, आठ तरीक 24, 6 24, इसका भी इकाई अंक 4 होगा, तो उसमें से ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, चाहे डी होगा चाहे ए होगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। जी हाँ 65 का भी डी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ है, इन दोनों को ऐड करना है, यहाँ पे एक्स है, तो कैसे हल होगा, जैसे हल करके बताइएगा कैसे होगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों प्लस है, यहाँ पे एक्स मान लेंगे, ठीक है, इसको उठा के इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, मान इन दोनों को जोड़कर इसको घटा देंगे, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। जल्दी से इसको हल करके आप बताइए, देखिए यहाँ पे सवाल में क्या था, इसमें से इन दोनों को जोड़कर इसको घटा देंगे तो 21591 आएगा, जो इसमें से कोई नहीं होगा अनाप दीज होगा, फिर 1862 को 28 से डिवाइड करना है, इसमें क्या होगा 66.5 आएगा, विशेष कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबको आपस में मल्टीपल करना था, मल्टीपल करने के बाद ये आपका डी आंसर आ रहा था। ठीक अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 68, इसमें क्या करना है, इसमें ये डिवाइड डिवाइड है, इस दशा में आपको क्या करना है, बस एक फार्मूला मैंने बताया था, लिखवाया था, अगर आप रेगुलर क्लास पढ़ रहे होंगे तो आप इसका उत्तर तुरंत बता लेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितने लोग इसमें से इस फार्मूला से परिचित हैं, इन फार्मूलाओं को आप जानते हैं, बताइए इस फार्मूला कितने लोग, 68 का फार्मूला कितने लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई डी, अगर इस तरह से प्रश्न है तो क्या करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका है, आइए इसको देख लेते हैं पहले। इस तरह के प्रश्न को हम जैसे यहाँ पे दे दिया जाए ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई ई, इसमें केवल पहले पद को छोड़ देते हैं, पहले पद को छोड़ देंगे, हो जाएगा ए पूरे का बटे, ये हो जाएगा बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई, यह इसका तरीका है, यह इसका ट्रिक है। ठीक है अब क्या करेंगे, अब वापस अपने पेज पर आएंगे, यहाँ पे क्या है 14400 भागे 64 भागे 9, यहाँ पे लिखेंगे 14400, 14400 फिर बटे का चिन्ह लगाएंगे, जब बटे का चिन्ह लगाएंगे उसके बाद हमें क्या मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, 64 डिवाइडेड बाई 9 है तो 64 इंटू 9 कर दीजिएगा, 64 इंटू 9, अब इसे हल करिए क्या होगा, जल्दी से बताइए, यही जो होगा वो आप आंसर करके निकाल लेंगे, 9 से करेंगे ये आएगा 16, तो क्या हो जाएगा 1600 बटे 64, 16 चौका 64, ये हो जाएगा 400, 4 से कटेगा 4 1 का 400, नहीं 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 25 होगा ना, ये 25 होगा, 4 से कटेगा 100, यहाँ हो जाएगा 100, तो हो जाएगा ये 64, ये हो जाएगा 1600 बटे 64,
तो 16 चौका 64, 16 इक्का 100, 100/4/25, इसका आंसर क्या होगा? 25, मैंने इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो होगा वो 25 होगा, 25 होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 25। अगला है, 5 अंकों की वाली सबसे छोटी संख्या जिसे 476 से पूर्ण भाग लग जाए क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। 69 का कैसे रहेगा, जरा कमेंट करके बताइएगा। 69, जरा कमेंट करके आप लोग बताइए कैसे रहेगा 69। सिक्सटी नाइन कैसे लगेगा? देखिए, कोई भी संख्या दिया जाए, चाहे 5 अंक या छोटे अंक, इसके पहले डाउट क्लियरिंग क्लास में हमने आपको बताया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ज्ञात होगा। जी हाँ, सही बताया आपने। इसमें देखिए, हम लिखेंगे 5 अंक सबसे छोटी संख्या, लिखेंगे पहले 5 अंक सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4 5, और 476 से भाग देना है, 476 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये पहले 2 बार ले जाएंगे, तो 2 6 12, 2 7 14, 1 15, 2 4 8 952, तो क्या होगा यहाँ पे 48 होगा, यहाँ पे 0, फिर 1 बार ले जाएंगे, फिर यहाँ पे 476 होगा, यहाँ पे बचा 4। इसे दो तरीके लगाते, अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा। पहले तो क्या करते, एक नियम इसका ये होता है कि जितना भागफल जाता है उसमें ऐड करके भाजक से गुणा कर देते हैं, मतलब 476 में हमें 22 से गुणा कर देना, बस। दूसरा तरीका क्या होता है, इन दिनों का डिफरेंस निकाल कर इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 476 में से 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 472, ये 10,000 में जोड़ देंगे, 10,000 में जोड़ेंगे तो 472, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10,472, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे जो गुणा करेंगे तो यहाँ पे उत्तर आएगा 10,472। इसके दो तरीके लगाने के, तरीका नंबर फर्स्ट, तरीका नंबर सेकंड। अगर ये बड़ी से बड़ी संख्या कहता तो क्या करते, इसी शेष फल को इसमें से घटा देते, फिर जो प्राप्त उत्तर होता वो आंसर हो जाता, लेकिन छोटी छोटी वाले केस में हम अंतर को ऐड करते हैं, यह बात आप जानते रहिएगा। अब बताइए कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग के टॉपिक समझ में आई, ये बताइए कितने लोग को समझ में आया। देखिए रिपीट कर रहे हैं, इसमें पहले क्या करते हैं, जब छोटी छोटी संख्या दिया, कह रहा है 4 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 476 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, तो पहले सबसे 476 से हम 10,000 में भाग देंगे तो 21 बार जाएगा। एक तरीका क्या है, 4 शेष बचेगा। अगर एक तरीका ये है कि जितनी बार भागफल जाएगा उसमें हम एक ऐड कर देते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम एक ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद हम भाजक से गुणा कर देते हैं, जैसा हमने यहाँ पे किया, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, शेषफल का और भाजक का जो डिफरेंस होता है वो निकाल कर भाज्य में ऐड कर देते हैं, तो इसका डिफरेंस क्या निकला, 472 निकला, इसमें ऐड कर देंगे 10,472, दोनों में एक समान उत्तर आएगा, ऐसा नहीं कोई अलग नहीं आएगा। इस प्रकार 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी जो 476 से डिवाइड हो जाएगी वो होगी 10,472, इस प्रकार इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा, 10,472, मतलब डी इसका राइट आंसर होगा। डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, डी इसका सही जवाब होगा। समझ में आया, चलिए अगला है कि साधारण संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल 2 निकलता है, तो वह संख्या क्या है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अब इसके लिए कुछ नहीं करना है, इन सभी में 11 से भाग देके चेक कर लीजिएगा, जिसमें शेषफल 2 निकलेगा वह दी गई संख्या से विभाजित होगा। ये क्या करें, साधारण संख्या को 11 से भाग देने पर अब ये पता ही नहीं, तो इसमें 11 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, इसमें 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 चेक कर लीजिए, आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ए होगा। और देखिए अगला प्रश्न 71 है, देखिए ये भी आप आसानी से कर लेंगे। 71 को देखिए आपका समय बर्बाद नहीं करना है,
यहाँ से आप कर लेंगे क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जितना आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आपका क्या होगा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्रश्न तो आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, इसलिए कि नहीं कि बहुत बड़े बड़े प्रश्नों की आप तैयारी कर लीजिए, किससे बड़े बड़े प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, जितना आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, फिर जो प्राप्त होगा वह आपका आंसर होगा। 71 का क्या होगा जल्दी से बताइएगा आप लोग, इसका होगा सी 3817। इसमें से इसको सब या इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दीजिए, या इसमें से इसको घटा दीजिए, इसको इसको घटा दीजिए। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यह हो जाएगा आपका यह विकल्प सी राइट आंसर। फिर अगला है कि 86,270 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि ताकि योगफल 9 से विभाजित हो जाए। यह प्रश्न आप लोग करके बताइएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप यह प्रश्न आसानी से जवाब दे देंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसे लगेगा। इतने में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि वो 9 से विभाजित हो जाए, पहले इसमें से 9 से भाग देकर चेक करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, इसमें से 9 से भाग देकर चेक करेंगे। बताइए क्या होगा, योग करके देखें, 8 6 14 दो 16 3 19 7 26 1 27 9 36, बताइए क्या होगा। इसमें एक सरल तरीका, इसमें भाग देखें, 86,237 86,237, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 86,237 में, 86,237 में 9 से भाग दे देते हैं। क्या करेंगे, 9 से भाग दे देंगे, तो क्या आएगा आपका, पहले 86 है तो यहाँ पे पहले 9 बार जाएगा, 81, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 0, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 9 5 45 कितना बचेगा, 7 बचेगा, फिर 3 उतारेंगे 9 8 72, 1 बचेगा 7, दो सौ सैंतीस है ना, 9 9 81 5 52, 237 है ना, 9 1 9। ठीक है, यही होगा, फिर 9 1 का 9 क्या बचेगा, 8, यही है ना, सही है ना, देख लीजिएगा जरा आप लोग, थोड़ा सा कहीं गलती है, 86,237 है, 86,237 है, तो 9 9 81, यहाँ बचा 5 52 हो गया, 9 5 45 7 73 9 8 72 1 17 9 1 9 8। अब बताइए, अब कह रहा है कि उसमें क्या जोड़ दें, कह रहा है संख्या में क्या जोड़ दें कि दी गई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो जो शेष बचा है उसी शेष को हम जोड़ देंगे। अगर इसमें यही हम 8 जोड़ देंगे, जो 8 शेष बचा है इसको घटा देंगे, या तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, 8 और 9 का डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। अगर हम इसमें 1 जोड़ देते तो 8 होता और ये कट जाता, मतलब इसमें 9 माइनस 8 का डिफरेंस 1 हम जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे संख्या क्या होगी, दी गई संख्या से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, होगी डिवाइड हो जाएगी, माने इस दी गई संख्या में जैसे हम 1 जोड़ेंगे और दी गई संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी, 9 से विभाजित, इसका मतलब इसमें से कोई नहीं, होगा इसमें से कोई नहीं, अब इसका उत्तर 1 होगा, 1 आंसर आएगा, 1 है नहीं तो इसमें से कोई नहीं होगा, क्या होगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 73 की तरफ। 73 क्या होगा, ए बी सी डी लगातार आने वाली 4 संख्याएं हैं, ए और डी का योग 103 है, तो बी और सी का गुणनफल क्या होगा बताइएगा। कैसे लगेगा, ए बी सी 4 लगातार आने वाली संख्या है, इनके बारे में आपको बता दूं, ए डी का योग 103 है तो बी सी का गुणनफल क्या होगा।
आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक, ये कह रहा है कि ए बी सी चार लगातार आने वाली संख्याएं हैं, मतलब अगर हम ए बराबर यक्स मान लें तो बी बराबर यक्स प्लस वन, सी बराबर एक्स प्लस टू, डी बराबर एक्स प्लस थ्री, क्रमागत संख्याएं हैं, ये संख्याएं हो गई। अब कह रहा है कि यदि ए और डी का योगफल 103 हो, ए और डी का योगफल क्या 103 हो, ए और डी का, मगर यहाँ पे हमने देखा ए प्लस डी बराबर 103 है, 103 है इनका योगफल, 103 है, तो भैया मान निकालिए। तो मान क्या पूछा है, तो पूछा है बी और सी का गुणनफल क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट करो बताइए कि सवाल कैसे लगेगा। अब देखिए कितना आसान लगेगा सवाल, ए और डी, ए मतलब यक्स, यक्स मत प्लस यक्स प्लस तीन, ये हो गया ए, हो गया डी बराबर 103, तो 2x+3 बराबर 103, फिर ये हो जाएगा, तीन उधर चला जाएगा, तो 2x बराबर 103-3, फिर 2x बराबर 100, फिर यक्स बराबर 100/2, फिर यक्स बराबर 50। अब कह रहा है बी गुड़े सी क्या होगा, बी गुड़े सी माने बी गुड़े सी करेंगे, यहाँ पे बी गुड़े सी आएगा, और बी का मान क्या है, बी का मान है यक्स प्लस वन गुड़े एक्स प्लस टू, तो ये 50x है, तो ये हो जाएगा 50+1 गुड़े 50+2 माने 51 गुड़े 52। जरा कमेंट करके बताइएगा 51 गुड़े 52 का मान क्या होगा, बताइए कितने लोग को समझ में आया ये प्रश्न, कितने लोग को समझ में आया ये प्रश्न जो था, ये कितने लोगों को समझ में आ गया। ये पहले प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा, ए बी सी डी चार लगातार संख्याएं थी, यदि ए और डी का योगफल 103 हो तो बी और सी का गुणनफल क्या होगा। इसका उत्तर हम लोग को भी निकल गया, कितना निकला, 26-52, अर्थात विकल्प ए हम लोग को इसका उत्तर मिला। लगाने का तरीका क्या था देख लीजिएगा, हमने मान लिया यदि, माना यदि ए बराबर एक्स, बी बराबर एक्स टू, एक्स प्लस टू, सी बराबर एक्स प्लस वन, और सी बराबर एक्स प्लस टू, डी बराबर एक्स प्लस थ्री, फिर कह रहा है यदि ए और डी बराबर 103 है तो ए प्लस डी बराबर 103 रखा हम लोगों ने, ए का मान जहाँ एक्स हो गया वहीं पे टी का मान एक्स प्लस थ्री, ठीक है, तो 2x+3 बराबर 103, थ्री पक्षांतर करते हैं तो 103-3 हो जाता है, फिर हम आगे आप लोग लिखते हैं कि 2x=100, तो एक्स बराबर क्या होता है 50 होता है, 100 बराबर क्या होता है 50, फिर बी गुड़े सी का मान रखता है, बी माने एक्स प्लस वन और सी माने एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस वन माने 50+1, एक्स प्लस टू माने 50+2, 51 गुड़े 52 करते हैं तो 2652 इसका मल्टीपल आता है। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का आपका आंसर हो जाता है। अब बताइए यहाँ से कोई डाउटफुल अगर कोई हो तो मन में आप पूछ सकते हैं, जल्दी से आप पूछ कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट, क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न है, यदि यन, ये रूल ऑफ रिजल्टी का प्रश्न है, यदि यन को न्यूनतम मान लिया जाना चाहिए, यदि यन को, यदि यन को न्यूनतम मान दिया जाना चाहिए तब यह दी गई संख्या 9 से विभाज्य है, तो बताइए 9 का स्थान पर क्या होगा, यन के स्थान पर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही सरल सवाल है, उम्मीद करते हैं आप इसे आसानी से लगा लेंगे। क्या होगा बताइए, बताइए, लेकिन इनका योग करेंगे, 6+1+3+5+2+n, तो क्या होगा यहाँ पे, 6+1+7, 6+7, 7+3+10, 10+5=15, 15+2=17, माने यहाँ पे 17 हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, यही है ना, 6+1+7+3+10+5=15+2=17 हो रहा है, माने 17 में
प्लस एन में क्या जोड़ दे कि 900 विभाजित हो जाए, तो चला यहाँ पे 18 माने एक जोड़ दे। यहाँ पे एन की जगह पर अगर हम एक लिख देते हैं तो दी गई संख्या जो है क्या होगी, 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसलिए एन का जो सबसे न्यूनतम मान होगा वह क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। ठीक, समझ में आया। अब अगले प्रश्न में यन 75 में 9 का स्थानीय मान पूछा है। जल्दी से बताइए 9 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, हमने आपको तरीका बताया हुआ है। उम्मीद करते हैं आप उस तरीके के माध्यम से इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे पहले लिखेंगे 9, 9 के पहले कितने अंक है, एक दो अंक है, माने 9 तीन अंक पर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.009। इसे भिन्न में बदलना है, जहाँ पे 9 बटे लिखेंगे, दशमलव की जगह एक लिखेंगे, दाई तरफ कितना नंबर है, एक नंबर, दो नंबर, तीन, तो तीन लड्डू चढ़ा देंगे, माने 9/1000 अर्थात विकल्प ए इसका राइट आंसर है। विकल्प ए क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक, समझ में आया आप लोग को, 75 क्लियर हुआ, 75 क्लियर हुआ। ये कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जहां पे जैसे 9 था, 9 अगर ऐसे दशमलव पूछता तो 9 लिख देते, जैसे यहाँ पे 9, उसके पहले कितने अंक है, दो अंक, दो अंक लिख के दशमलव लगा दिए, ये हो गया ये अस्थानीय मान। इसको भिन्न में लिखना, ये भी उत्तर है, ये आंसर था। अगर इसको भिन्न में लिखना है, दशमलव की जगह एक लिख देंगे, जितनी संख्या है दाई तरफ उतना जीरो बढ़ा देंगे, 9/1000, जिसका अस्थानीय मान जो होगा वो क्या होगा, 9/1000 होगा। क्या होगा, 9/1000। ठीक, अगला है, चार लगातार आने वाले प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में एक प्राकृतिक संख्या पी जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, तो पी का मान क्या होगा, तो पी का मान क्या होगा, पी का मान क्या होगा, यह हमने लिखवाया था और इसका ट्रिक बताया था। अगर आपको ट्रिक याद होगा तो आप एकदम आसानी से कर लेंगे। मैंने कहा था किसी भी चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव 24 से भाज्य होता है। हमने क्या बताया था आपको, इसके पहले क्लास हमने आपको बताया था, शायद आपको याद होगा, कंठस्थ तो होगा, कि चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो 24 से विभाज्य होता है। ठीक, तो 24 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 25, और 25 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। मतलब अगर आप एक देख लें, 1 × 2 × 3 × 4, तो कितना हो गया, 24 हो गया, इसमें एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25, और जब 25 को हम करणी से तोड़कर बाहर निकालेंगे तो ये +-5 मिल जाएगा, अर्थात ये पूर्णवर्ग संख्या हो जाएगी। इसका उत्तर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, डी इसका सही जवाब होगा। बताइए कितने लोग को ये कॉन्सेप्ट प्रश्न नंबर 76 समझ में आया, कितने लोग को 76 समझ में आया कमेंट करके बताएं। अगर आप लाइव नहीं देख रहे तो वीडियो को बाद में भी देख रहे होंगे, तो जरा हमें कमेंट करके बताइएगा क्या आपको ये वीडियो समझ में आ गया, नहीं आया, आइए हम इसको दोबारा आपको बताते हैं। देखिएगा आप लोग को करना है, हम लोग को करना क्या होता है कि सबसे पहले हम जैसे यहाँ पे चार, पहले एक प्रश्न लिख लीजिएगा कि चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो सदैव 24 से विभाज्य होता है। याद रखिएगा चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो सदैव 24 से विभाज्य होता है, एक बात। दूसरी बात आप यहाँ और जानते रहिएगा क्या, कि अगर हम चार क्रमागत 24 है तो 24 में जैसे हम एक जोड़ते हैं ये 25 हो जाता है। क्या हो जाता है, 25। हाँ, सब में होगा, कोई भी नंबर हो, चार क्रमागत प्राकृतिक संख्या सदैव 24 से विभाज्य होती है। 25, 25 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसे अगर बाहर करेंगे तो +-5 आएगा। तो यहाँ पे 1 × 2 × 3 × 4 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इसमें हम एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। यही एक के बारे में पूछा हुआ है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, याद रखिएगा सदैव 25 विभाज्य होता, 24 विभाज्य होगा सदैव, आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे हम एक जोड़ेंगे संख्या क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कौन कौन लाइव है जरा कमेंट करके बताइए, कितने लोग लाइव है, अभी आप लोग लाइव देख रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न यहाँ पे क्लियर हुआ, तो प्रश्न नंबर 76 क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत।
अगला आ गया है कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 41 से विभाज्य होगी। मैंने तरीका बताया है आज ही के प्रश्न में, हमने इसको एक तरीके से एक सवाल लगा के बताया था जिसमें 476 से भाग देना था और 10472 उत्तर आया था। तो उसी तर्ज पर सवाल को लगाना है। पहले आप लोग इस प्रश्न को लगाकर हमें उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको आ गया तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर मैं आपको इस तथ्य को दोबारा समझाऊंगा। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कितना आएगा। निकाल लेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, 5 अंक सबसे छोटी संख्या लेंगे, 41 से भाग देंगे। तो यहाँ पे सवाल कैसे लगेगा, 41 से डिवाइड करेंगे, 5 अंक छोटी संख्या, एक के बाद एक, 0 2 0 3 0 4 0, 5 अंक की संख्या बन गई। दो बार ले जाएंगे, ये होगा 82, यहाँ क्या बचेगा 18, फिर 0 उतारेंगे, फिर 4 बार ले जाएंगे, 41 चौके क्या होगा 164, फिर क्या बचेगा 16, 16 ही बचेगा ना, ठीक, यहाँ हो जाएगा फिर 160, फिर कितनी बार ले जाएंगे, फिर हम ले जाएंगे इसे 3 बार, 3 बार ले जाएंगे तो 4 3 12 123 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना बचेगा, 9 10 में से 3 गया 7, माने 37 बचेगा, कितना बचेगा 37। इसका एक तरीका हमने बताया था, इस तरह के प्रश्न को हल करने के बाद जितनी बार भागफल जाएगा उसमें एक ऐड करके तब गुणा करते हैं, माने 244 गुणे 41 कर दीजिए, या इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, इन दोनों का डिफरेंस जितना आएगा इसमें ऐड कर दीजिए। डिफरेंस कितना आएगा, 41 41 -37 = 4, 4 को ऐड कर देंगे तो 10000 + 4 कर देंगे तो 10004। इसका भी उत्तर क्या आएगा, ऊपर जो गुणा करेंगे 10004 ही आएगा। मतलब यह क्या होगी, यह 5 अंक की वह सबसे छोटी संख्या होगी जो 41 से पूरी तरह से विभाज्य होगी, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आ गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे इसका गुणनफल ज्ञात करना है, 78 में 6 करणी में 5 2 करणी में 5, आइए इसको भी देखते हैं, 6 करणी में 5 और 2 करणी में 5, 6 करणी में 5 गुणे 2 करणी में 5, बताइए कितने लोगों ने सवाल को हल किया, कितने लोगों ने सवाल को हल किया। देखिए क्या करेंगे, पहले यहाँ तो 6 गुणे 2 कर देंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 2, फिर गुणे करणी में 5 गुणे करणी में 5, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 6 गुणे 2 करणी 5 गुणे करणी 5 करें, करणी टूट जाएगा, केवल 5 आएगा, 6 दूनी 12 25 60, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका उत्तर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर होगा, डी इसका सही जवाब, ठीक है, डी क्या होगा, राइट आंसर, डी इसका सही जवाब होगा। यहाँ पे कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो हमें कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, क्या कोई कमेंट करके बता सकता है कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। ये दिए गए प्रश्न से आप आसानी से भी ज्ञात कर सकते हैं कि विकल्प के आधार पर क्या होगा। वैसे विकल्प के आधार पर मैं आपको बता दूं जी, किसी भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो ये हो सकता है, ये वर्ग नहीं है, किसी ने कमेंट करके बताया है कि 99999, वह पूर्ण वर्ग नहीं है, यहाँ पे पूर्ण वर्ग पूछा है, क्या पूछा है, पूर्ण वर्ग पूछा है। इस तरह के प्रश्न को लगाने के लिए एक तरीका हम लोग को यूज करना पड़ता है, आइए वो तरीका क्या है वो तरीका हम लोग जानते हैं। प्रश्न नंबर
79 को हल करने का जो तरीका है, उस तरीके को हम लोग सीखते हैं कि वह तरीका क्या है या वह तरीका कैसे लगेगा, कैसे प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे। कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्गों का। इससे पहले वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे वो भी भाग विधि से, ठीक है, डिवाइड मेथड से लगाएंगे। ठीक जी, ठीक है, आइए उसको हम लगा के चेक करते हैं, क्योंकि बातें करना हमारे फितरत में नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ाई मेहनत के लिए पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बात करके आपका कीमती वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। हम लोग केवल पढ़ने में फोकस करेंगे, हाय बाय हाय हेलो हम लोग बाद में कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि आप पैसे देके पढ़ रहे हैं, पहला टारगेट आपका सिलेक्शन लेना है। चलिए हम देखते हैं कि 5 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं, तो 5 अंक की बड़ी संख्या 9 9 9 9 9, इसे भाग विधि से क्या करेंगे हम लोग, वर्गमूल निकालने का काम करते हैं। क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने का काम करते हैं, बाएं तरफ से दो दो का जोड़ा बना देते हैं। अब क्या करते हैं, अब जो बचेगा, अब यहाँ पे बचेगा ये दो का जोड़ा बनाए, दो का जोड़ा बनाए, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, सबसे पहले हम लोग 3 बार लेकर जानते हैं, यहाँ पे हम 3 बार लेके गए, यहाँ पे हमने 3 लिखा, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, तो 3 3 9 यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे क्या होता है ऐड होता है, ये हो जाएगा 3 3 6, यहाँ पे क्या उतर गया 99 उतर जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला कदम, अब हम यहाँ पे 1 बार ले जाएंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 1 का 1, ये हो जाएगा 61, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 9 में से 6 गया 3, ये फिर ऐड होगा, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होता है, अंदर बाहर ऐड होता है, तो 1 1 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे दोनों जोड़ा एक साथ उतरेगा 99। अब कितनी बार जाएगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, कोई जल्दी से कमेंट करके बताए, तो ये कितनी बार जाएगा, छह बार यहां जाएगा, रुक जाइए, यहां भी 6 बार, यहां भी 6 बार लिखेंगे और यहां पे 6 से मल्टीपल करेंगे, ठीक, तो 6 से मल्टीपल करेंगे तो 6 4 के 36, 6 2 12 3 15, और 6 4 के 36 37, 3756, फिर घटाएंगे तो 341, यहाँ पे सबट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं, लेकिन अब इसके आगे खत्म हो गया है, इसके आगे ले नहीं जाना है। अब क्या कह रहा है कि अगर हम 316, यहाँ पे आ गया, अगर हम यहाँ पे 316 का स्क्वायर कर देंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है, कितना आएगा दूसरी संख्या इस 9999 में से, ध्यान से देखिएगा, इस 99999 में से ये जो शेष बचा है इस शेष को घटा देते हैं, तो क्या बचेगा, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से गया 8, 99,556, क्या बचेगा 99,856, यह इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। क्या करते हैं, जो शेष बचता है उसी को डिवाइड कर देते हैं, उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका उत्तर होगा 99,856, 99,856 अर्थात इसका विकल्प सी आंसर है, सही जवाब, ठीक है। एक बार ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999 का वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं 3 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, अंत में 143 शेष बचता है। या तो हम लोग दो काम करें, या तो हम 316 का स्क्वायर कर दें, या दूसरा काम हम ये करें कि उसमें से जो शेष बचा है उसे सबट्रैक्ट कर देंगे 5 अंकों बड़ी बड़ी संख्या से, तो जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या होगी, वो दी गई संख्या के 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ या यहाँ पे कोई दिक्कत है, ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एक दी गई संख्या है, वो क्या है, 1 2 3 4 5 7, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना जवाब दिया है, उम्मीद करते हैं आपका जवाब क्या आता है। बताइए इसमें क्या है, ये कुछ लोग बता रहे हैं अभाज्य संख्या है, और जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 80 क्या होगा,
देखते हैं सबसे सटीक सबसे सही उत्तर कौन देता है। अभी तक किसी के सही जवाब नहीं है ऐसा हमें लगता है। जितने लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट करके दिखाएं। 1 2 3 5 7 क्या होता है? आपने लगता है हमारी पूरी क्लास नहीं ली है। अगर आप लोगों ने पूरी क्लास ली होती है तो कभी जिंदगी में इस प्रश्न को गलत ना करते या गलती ना करते। आप लोग क्लास के मेंबर हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं, आपने क्लास ली है। अगला प्रश्न नहीं आएगा। देखिए इसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि पहले कुछ लोग बता रहे हैं ए, तो पहले मैं बता दूं ए कैसे गलत है, क्योंकि तो अभा संख्या जो होती है एक न तो भाज्य होती है न अभाज्य, इसलिए ये गलत। कुछ लोग बता रहे हैं विषम संख्या, विषम संख्या होता तो 11 के बाद 9 होता ना कि 13, इसलिए बी भी नहीं है। मेरी दोनों बात ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एक है, एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, और यहाँ पे 9 नहीं है। 11 के बाद 9 होता तब विषम संख्या होता, इसका मतलब ये विषम संख्या का युग्म नहीं है। क्योंकि कैसे होता, 11 के बाद 9 आता, फिर 7 के बाद 9 आता, 9 के बाद तब 11 तब 13 आता, इसमें से एक नंबर ये मिसिंग है, इसका मतलब यह भी नहीं है। तो आप लोग को समझ में आया? और ये युग्म संख्या भी नहीं है, इसका मतलब जब कुछ नहीं है तो इसमें से कोई नहीं है। ये क्या है, इसमें से कोई नहीं है, इसका मतलब विकल्प डी इसका राइट आंसर हुआ। सोचिए आप ये गलती यहां कर दीजिए, परीक्षा में गलतियां मत करिएगा। क्या बताएं, बताइए जो पूछे मैं बताऊं। ये देखिए पूरा युग्म जो है वो विषम संख्या का नहीं, क्योंकि विषम संख्या का जब बनता तो कैसे बनता, 1 3 5 7 9 11 तब 13 आता, यहाँ पे 9 को गायब कर दिया गया, माने विषम संख्या की सीरीज नहीं है ये। ठीक, क्योंकि डाट डाट करके दिया ना, अभी ये क्रम से बढ़ते जाते हैं। ठीक, दूसरी बात, युग्म संख्या हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, युग्म संख्याएं भी नहीं है। जब युग्म संख्याएं नहीं है क्योंकि हाँ ये पेयर संख्याएं नहीं बन रही हैं, जब पेयर संख्या भी नहीं बन रही है तो यहाँ भी कोई लॉजिक नहीं काम किया, इसका मतलब ये इसमें से कोई नहीं हुआ। ठीक, यहाँ पे संख्याओं का पेयर नहीं बन रहा है, कोई पेयर है नहीं, कोई पेयर नहीं है, एक तरह से कोई नंबर लिख दिया गया है, इसका मतलब इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक, अब बताइए यहाँ से किसी कोई दिक्कत है या कोई समस्या है तो हम जोड़े घटाएं, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। आप लोग जरा कमेंट कर बताइएगा, आवाज साफ आ रही है, वीडियो क्लास सही चल रही है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा घुमा कर दिया गया है, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ये प्रश्न आप आसानी से लगा लेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कह रहा है कि 25 कैरेट, ध्यान देखिए 25 कैरेट एक बहुमूल्य नग दो भागों में तोड़ा गया। 25 कैरेट का नग दो भागों में तोड़ा गया, ठीक। फिर कह रहा है जब दोनों टुकड़ों को तराजू के दोनों पल्लों में रखा गया तो समतुल्य के लिए 9 कैरेट एक पल्ले में रखा गया। माने जब मतलब एक टुकड़ा क्या है 9 कैरेट कम था, तभी तो 9 रखेंगे समतुल्य होगा। तो दोनों टुकड़े के तोलों का गुणनफल कैरेट में क्या होगा? देखते हैं ये सवाल एकदम सरल है, लेकिन कौन इसका जवाब सबसे पहले देता है? आप लोग पहले ट्राई करेंगे या पहले मैं इसको जवाब दे दूं? दोनों बातें हैं, आप जैसे कहेंगे वैसे होगा। पहले आप कमेंट करके बताइएगा, आप कमेंट करके हमें बताइए कि 25 कैरेट बहुमूल्य दो नगों को तोड़ा जाता है, दोनों को तराजू के दोनों पल्ले पर रखा जाता है तो समतुल करने के लिए 9 कैरेट रखा जाता है, दोनों टुकड़ों का गुणनफल क्या होगा? हल करें। आइए देखते हैं कैसे आया। गर्दन में पेन होने लगती है। चलिए कह रहा है कि 2 25 नग के कैरेट थे, माना एक टुकड़ा, अगर ये 25 25 कैरेट का था, इसके दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा अगर हम एक्स मान लेते हैं, दूसरा टुकड़ा क्या हो जाएगा, 25 माइनस x, दो टुकड़े हो गए। ये टुकड़ा नंबर फर्स्ट, ये टुकड़ा नंबर सेकंड। यहां तक क्लियर हुआ?
अब कह रहा है यदि दोनों टुकड़ों को तब बराबर होंगे जब उसमें 9 करेट जोड़ा जाएगा। ठीक, कह रहा 9 तब बराबर, मतलब यहां पे ये अगर हम इसको यक्स बराबर 25 माइनस यक्स कर देंगे, टुकड़ा बराबर नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा प्रश्न कह रहा है, ऐसा प्रश्न कह रहा है, टुकड़ा भी बराबर नहीं है। टुकड़ा तब बराबर होगा जब इसमें 9 कैरेट जोड़ा जाएगा। प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा, कह रहा है कि समतुल के लिए 9 कैरेट एक पल्ले में रखा गया, तब जाके 9 तुल किसी पल्ले में रख सकते हैं, ऐसा नहीं किसी पल्ले पे रखे हैं। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा? यक्स बराबर 25 माइनस यक्स प्लस 9, क्या होगा? ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा यक्स प्लस यक्स बराबर 25 और 9 34, तो 2x बराबर 34, तो यक्स बराबर 34/2 बराबर 17। मतलब हमें यहाँ पे एक चीज तो निकल गया कि यक्स बराबर 17, तो इसका मतलब ये पहला पल्ला 17 का है, दूसरा 25 में से 17 जाएगा तो क्या होगा? 25 में 17 जाएगा तो क्या होगा? 25 में से 17 तीन पाँच तीन 8 का होगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, ये पहला यक्स था, तो यक्स बराबर क्या हो गया? 17, ये पल्ला नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेकंड पल्ले को निकालना है, तो क्या था वो? 25 माइनस यक्स था, तो 25 में से यक्स माने 17 गया, तो सेकंड वाला क्या हो गया? 8। कह रहा इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, माने फर्स्ट पल्ला और सेकंड पल्ला का। तो फर्स्ट पल्ला सेकंड पल्ला क्या होगा? 17 × 8 बराबर 136 कैरेट होगा। क्या होगा? 136 कैरेट होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो क्या होगा? 136, अर्थात विकल्प बी का राइट आंसर है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। बताइए ये कॉन्सेप्ट कितने लोग को समझ में आया? एक बार प्रश्न को बारीकी से पढ़ ले, इसका कोई ट्रिक, इससे सरल ट्रिक क्या होगा? ये तो आप एक लाइन में लगा सकते हैं, केवल कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। बस एक लाइन में 17 निकल गया, एक का एक 8 होगा, एक 17 होगा, 17 18 136। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा क्योंकि लॉजिकल सवाल है। कह रहा एक कोई कैरेट का बहुमूल्य है ना, कि उसे 2 भागों में तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद जब तक एक 9 करेट में एक पल्ले को रखा गया तब वो जाके समतुल्य हुए। मतलब इस तरह से टुकड़ा तोड़ा गया, 9 रखे तब समतुल्य हुआ। मतलब एक कैरेट मान लिया यक्स था, दूसरा क्या था? 25 माइनस 6 था। दोनों टुकड़े तब तक सामान्य नहीं थे जब तक उसमें 9 नहीं रखा गया। तो 9 रखा गया, एक्स बराबर 25 माइनस 6 प्लस 9, तो वह एक सीधा रहेगा 2x+34, एक्स बराबर 17। फिर दूसरा कैरेट एक 17 का हो गया, एक 8 का हो गया, ठीक। 17 18 136, दोनों कैरेट का गुणनफल क्या होगा? 136 होगा। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत या कोई समस्या? चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 25 × 775 है तो संख्या क्या है? ये कमेंट करके जवाब दीजिएगा, आसानी से आप इसे कर लेंगे। देखते हैं सबसे सही जवाब कौन देता है। किस संख्या का 25 गुणा? देखिए माना यक्स घुड़े 25 बराबर 775 है, तो 25 एक का 25, 25 × 75, 25 एक का 25 31 होगा। इसका उत्तर क्या होगा? 31 होगा। ठीक, आपके सही जवाब है। अब कह रहे हैं यदि किसी संख्या को 119 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष फल 19 बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या बचेगा? इस प्रकार के प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं, डाउट क्लियरिंग सेक्शन फर्स्ट में हमने इसको बताया है। अगर आज आप इस सेक्शन को हल कर लेते हैं, इससे ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि जो हमने आपको पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट आपने कर लिया। 82 कोई पूछ रहे हैं, फिर से 82 में देखिएगा, कह रहा है किस संख्या का गुणा करेंगे 25 से तब 775 होता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमने कहा यक्स गुणे 25 बराबर 775 डिवाइड करेंगे तो आपको 31 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का गुणा करते हैं, कोई संख्या थी माने संख्या यक्स थी, यक्स का माने गुणा, यक्स का गुणा 25 775 है, यक्स गुणे 25 बराबर 775। और कोई समस्या?
कोई दिक्कत? इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा, प्रश्न नंबर 83 ध्यान से देख लीजिएगा, अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप जो पहला शेषफल होता है उससे दूसरे से भाग दीजिएगा। यहाँ पे 17 से आप 19 में भाग दीजिएगा, कितना आएगा? यहाँ पे शेषफल 2, आपका उत्तर क्या होगा? 2 होगा। 83 का क्या हो जाएगा? डी। एक लाइन में याद रखिएगा बस, पहले शेष में दूसरे से भाग दे दीजिएगा, जो शेष बचेगा वही उत्तर होगा। ऐसा प्रश्न हमने करा दिया है, कई बार कराया है, इसके पहले डाउट सेशन क्लास में मैंने आपको ये करा दिया था। एक बार आप इसे देख लीजिएगा, फिर अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है या कोई प्रश्न रह जाता है तो फिर आप हमसे कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं और हम आपको जवाब भी देंगे और उसके लिए तत्पर भी और तैयार भी हैं हमें। ठीक है, यहां से आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, आगे बढ़ें। ये कह रहा है एक संख्या श्रेणी आपके सामने चल रही है, उसमें अगली संख्या क्या होगी? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अगली संख्या क्या होगी आप इसमें कमेंट करिएगा। इलर्निंग विद दुर्गेश, इलर्निंग विद दुर्गेश जी, आप हमसे जुड़ सकते हैं इलर्निंग विद दुर्गेश से। ठीक है, आपके सामने एक प्रश्न आया है जहां पे अंक शून्य के दोनों ओर बाएं तथा दाएं। अच्छा, ये पहले 84 क्या होगा? पहले 84 का बताइए सब लोग, क्या होगा 84 का? क्या होगा? देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें क्या है, 4 दूना 8, मैंने यहाँ पे भी क्या किया है, 4 दूना 8 -2, 6 दूना 12 -2, 10 दूना 20 -2, 18 दूना 36 -2, 34 दूना 68 -2, मैंने दुगना किया है, -2 गुणे दो गुणे दो -2, क्या किया है, गुणे दो और -2 किया गया है। क्या किया गया है? गुणे दो और -2 किया गया है। ठीक है, हाँ चलिए, अगर है अंक शून्य के दोनों ओर बाएं तथा दाएं दोनों अंक में से, जैसे ये है बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, क्या होगी? 85 जरा बताइएगा। बताइए, यदि अंक शून्य के दोनों और बाएं तथा दाएं दो अंक में से कोई एक हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? ये कमेंट करिएगा, इसे नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। इसका एक ट्रिक है, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 73 0 73, 83 0 83, 64 0 64, 66 0 66, कुछ भी लिख सकते हैं, 36 0 36, मैंने कोई भी संख्या जीरो के दाएं बाएं तरह रिपीट करके लिखा जाए तो निम्नलिखित में से किस संख्या से वह पूर्णतः विभाज्य होगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बताइए, वह किस संख्या से विभाजित होगा? वह देखिए यहाँ पे दो नंबर हैं, एक तो 11 से भी होगा और वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो वह होगा 1001। नोट डाउन, वह 11 से भी होगा लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो 1001 नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। डी इसका राइट आंसर होगा, डी इसका सही जवाब। बड़ी से बड़ी पूछेगा तो ये होगा, अगर छोटी छोटी पूछा होता तो शायद इसके जवाब कुछ डिफरेंट हो सकते थे, इन्हें बड़ी से बड़ी पूछा है इसलिए इसका उत्तर डी होगा। अगला कह रहा है यदि यन एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 घाते 4 यन -4 घाते 3 यन सदैव किससे विभाजित होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा।
86 को थोड़ा कम करके बताइए क्या होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सवाल को हम दूसरे पेज पे ले चलते हैं। क्या था? 3 4n-4 3n। अगर n को छोड़ दिया जाए तो हम लोग इसको इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 4n-4 के पावर 3n। ये हो जाएगा ये 81 पावर n-, ये क्या हो जाएगा 64 के पावर n। अब क्या करना है बताइए दोनों में। यदि हम एक प्रश्न जानते हैं, यदि a घाते n और b घाते n इस तरह से सवाल हो, तो उसमें इनका जो गुणनखंड होगा, इनका जो गुणनखंड होगा वो सदैव a-b से डिवाइड होगा। तो ये प्रश्न हो जाएगा, मैं एक बार क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये 81-64 = 17 से विभाज्य होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक 3 के पावर 4n-4 के पावर 3n हो तो सदैव किससे विभाजित होगा? तो सदैव 17 से विभाजित होगा। कैसे? क्योंकि हमने अभी यहाँ पे देख लिया है कि यदि हम कोई भी संख्या जैसे यक्स के पावर एन माइनस वाई की पावर एन का अगर गुणनखंड कोई है तो वह यक्स माइनस वाई से विभाजित होगा। वैसे हमने भी क्या किया, यहाँ के 3 के पावर 4 और 4 के पावर 3 को हमने क्या 81.9 और 64 के पावर n, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, तो यहाँ पे 81-64 और 17 क्या होगा, हमेशा विभाज्य होगा। कितने से? 17 से हमेशा विभाज्य होगा। यहाँ से किसी कोई दिक्कत या कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या है आपका? ये प्रश्न तो आपके गलती से आ गया, क्योंकि आपके श्रेणी में सर्वांतर नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपके सिलेबस का नहीं है, ये 12th के मैथ का था। चलिए गलती से आ गया है, टाइप हो गया वो गलती से। ठीक है, आपको यही दोनों प्रश्न हल करने हैं। कह रहा है कि किसी संख्या को 45 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 30 बचता है, उस संख्या को 5 से विभाजित करें शेषफल क्या होगा? ऐसा प्रश्न मैंने आज भी बताया है, इसके पहले भी डाउट सेशन में बताया था, और कई बार मैंने इस प्रश्न का जिक्र किया है और हमने पढ़ाया है। बताइए जल्दी से, कमलेर बताइए क्या होगा, 87 का क्या होगा? जी मैंने कहा था यदि किसी संख्या को भाग देने के बाद कोई शेष बचता है तो हमें क्या करना चाहिए, 5 से 30 में भाग दे देना चाहिए। मैंने बताया था आज 5 से 30 में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 छक्के 30, कुछ नहीं बचा, 0। इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। डी इसका राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अभी सेशन का इस टॉपिक का आखिरी सवाल देख लीजिएगा, 88। इसके साथ साथ प्रश्न नहीं आ पाया है, टाइप नहीं हो पाया था, आ नहीं पाया, उसके लिए माफी चाहते हैं हम। ये 88 आप लोग कर लीजिएगा, इस सेशन का अंतिम सवाल है। जैसे सवाल हल कर लेंगे आज के टॉपिक आपकी पूरी तरह से एक बार और क्लियर हो जाएगी। छः का है मतलब समझ नहीं पाए इसको, इससे क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 6 आएगा, 6 से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या 0 से मतलब है, शेषफल क्या बचा, 0 बचा, तो 0 लिखना है हमें, शेषफल ही देखना होता है ना। जैसे इसके पहले एक सवाल था, कहाँ गया, यहाँ पे था 83, हमें 17 1 का 17 हमें 1 से मतलब नहीं होता, हमें शेषफल से मतलब होता है, प्रश्न नंबर 17। ठीक, हमें प्रश्न नंबर क्या है, 83 देख लीजिए,
83 देख लीजिए, 87, 83 देख लिया आपने और 87 देख लीजिएगा, दोनों प्रश्न कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, समझ में आ गया आप लोग को? आप कोई मन में डाउट आपके? अब 88 लगाइए, कह रहा है यदि कि किसी लड़के से किसी बालक को 2^5 × 9^2 लिखने के लिए कहा गया, परंतु उसने 2592 लिखा, इन दोनों में और इन दोनों में संख्यात्मक मान कितना अंतर होगा? ये कमेंट करके बता दीजिएगा, इसके साथ आपका सेशन क्लियर हो जाएगा। आप लोग पेड क्लास पढ़ रहे थे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इलानी में दुर्गे से जुड़ने के लिए। लर्निंग विद दुर्गे से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, काफी बड़ा नाम हो जा रहा है लर्निंग विद दुर्गेश। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ये पेड क्लास था और इसकी नोट्स भी आपको लर्निंग विद दुर्गेश पे उपलब्ध हो जाएगी, क्लास भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई समस्या कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, ये सवाल आप बता दीजिएगा, जैसे आप बताते हैं सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आप जो कहेंगे वो चीज़ें हम पढ़ा देंगे। पहले यहाँ तक आप बताइए क्या दिक्कत हो रही है, एक बार प्रश्नों को रिपीट कर लेते हैं ताकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट एक बार क्विकली रिवीजन हो जाए। हमने देखा कि 1000 से कम कितनी संख्याएं हैं, जो 10 और 13 के गुणज हैं। हमें आसानी से हमें ये चीज़ें ज्ञात हो गई कि 10 13 के गुणज क्या है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे और 1000 से भाग दिया तो पता चला कि 7 बार गया, और जो 7 बार गया वही इसका उत्तर है। ठीक, फिर दूसरा आता है कि योगफल ज्ञात करना था। योगफल ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने पहले यन निकाला, यन निकालने के लिए अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे 2 + 1 करते हैं, तो 15 इसका यन आता है, और फिर लिखते हैं अंतिम संख्या जब पहली संख्या बटे 2 × यन करते हैं तो 12 × 15 = 180 इसका उत्तर आता है। फिर क्या करना था, एक दशमलव की संख्या को पहले 2 + 1 माइनस है, माने प्लस ऐड करके माइनस घटाना था, 53 का सी होता है। फिर प्रश्न नंबर 54 आता है, केवल उसमें ऐड करना होता है जो 255 दशमलव, उसका जो विकल्प आता है वो आता है 496.88, 496.88 आपके विकल्प नहीं है इसलिए इसका इसमें से कोई नहीं होता है। फिर आता है 55 की तरफ, 55 में भी दशमलव का जोड़ होता है, इनको जोड़ते हैं तो 255.55 आता है, जो कि विकल्प नंबर 20 का राइट आंसर था। फिर 56 में कुछ नहीं करना था, दोनों को जोड़ना था, फिर घटाना था, फिर जोड़ना था, या तीनों को जोड़कर एक को घटा सकते थे। ठीक, फिर आते हैं 57 में, 57 पहला एकदम आसान प्रश्न है, केवल उसको ऐड करना था। 58 थोड़ा सा दिक्कत करने वाला प्रश्न था, उसमें कह रहा है कि एक बंदर एक चिकने खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है जिसकी ऊंचाई 14 मीटर है, वो पहले 2 मीटर चढ़ता है, फिर अगले मिनट फिसल जाता है, फिर अगले मिनट चढ़ता है, फिर फिसल जाता है, इस प्रकार अगर प्रक्रिया चलती रहे तो खंभे में कितना मिनट में चढ़ेगा? उसको हम लोगों ने देखा कि 24 मिनट में खंभे पे चढ़ जाता है। हमने उसे क्या किया, हम लोगों ने उसे एक खंभा बनाया, क्या किया, 14 मीटर का खंभा बनाया। खंभा बनाने के बाद हमने ये किया कि पहली बार जितना चढ़ता उसको कम कर देते हैं, तो इस 14 मीटर के खंभे में से हमने पहले 2 मीटर निकाल दिया, बच्चा 12 मीटर का खंभा, वो पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, फिर 1 मीटर फिसल जाता है। माने हमने ये देखा कि जो बंदर है वो क्या करता है, 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ पाता है, तो उसे करना चढ़ना था 12 मीटर चढ़ना था, तो 12 मीटर इधर गुणा करेंगे, 12 से इधर गुणा करेंगे तो 24 मिनट में 12 मीटर चढ़ा। फिर अगले मिनट में क्या करता है, अगला मिनट में अगली बार जब वो चलेगा तो क्या हो जाएगा, 25 मिनट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर खंभा क्या जाएगा, 2 मीटर चढ़ेगा तो हो जाएगा 14 मीटर, क्योंकि लास्ट बार जब चढ़ेगा तो लौट कर नहीं आएगा। इस प्रकार 25 मिनट में बंदर क्या करता है, 14 मीटर खंभे को चढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने एकदम ड्रा करके बनाया है, अगर आपको नहीं समझ में आया मैं दोबारा समझा दूँ। एक बंदर चिकने खंभे पे चढ़ने की कोशिश करता है, जब वो उछलता है तो एक बार में 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले मिनट में वो फिसल आता है, अर्थात वह 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ पाता है। क्या करता है, 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ पाता है। ठीक, उसके बाद कहता है कि मैंने पहले कहा था जितनी बार चढ़ता उसको घटा देते हैं, तो यहाँ पे 2 घटा दिया, खंभा 12 मीटर हो गया। 12 मीटर चढ़ाना है, गुड़े 12 गुड़े 12, दोनों पक्षों में 12 से गुड़ा किया तो 24 मिनट में 12 मीटर खंभा चढ़ गया। अगली बार जब बंदर पहुंचेगा तो क्या होगा, वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा, मतलब फिसलेगा नहीं क्योंकि मुकाम तक आ गया, तो 25 मिनट में वो 14 मीटर खंभे पे चढ़ेगा। इस प्रकार इसका जो उत्तर होगा वो क्या था, 25 मिनट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन था 5 × 3 + 6 × 3, इसका एक फॉर्मूला होता है n n+1 2n+1/6, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हमने 1 से लेकर 20 तक में से 1 से लेकर 4 तक के वर्गों को घटा दिया, इस प्रकार 2840 आपका
उत्तर आ गया, 2870 में से 30 घटा दिया, 2840 आ गया था। फिर अगला प्रश्न था कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 60 काफी वीआईपी प्रश्न था, अगर आप चाहते हैं तो इसे लगा लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा जो बाद में देख रहे हो, तो एक बार देख ले प्रश्न को, ठीक है उस प्रश्न को देख लें। प्रश्न नंबर 61 66 60, उसमें कह रहा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एन का क्यूब बराबर 2025 है, तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 2n का क्यूब क्या होगा, इसमें 2 क्यूब कॉमन ले लिए तो बचेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस n क्यूब, तो इसका मान दिया है पहले से 2025, तो 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का 8, 2 का क्यूब 8 गुणे 2025 कर देंगे तो आपका उत्तर आएगा 16200, इसलिए प्रश्न नंबर 60 का उत्तर होगा 16200। प्रश्न नंबर 61 क्या कैलकुलेशन है जिसे आप आसानी से कर लेंगे, जरा इस पेज को देख कर बताइए क्या आपके डाउट क्लियर हुए, आप इस पेज को देख के बताइए क्या आपके डाउट क्लियर हुए, प्रश्न नंबर 60 के डाउट क्लियर हो गए आपके, ठीक है आप लोग, हाँ जी बेहतर लगे तो बताइएगा। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सारे प्रश्न में कैलकुलेशन करना, सारे प्रश्न में, इसमें से प्रश्न नंबर 64 खाली पढ़ लीजिएगा, 64 पढ़ लीजिएगा, बाकी कोई प्रश्न मत पढ़ेगा। 64 में कह रहा है 147 बार 329 कितना आएगा, कह रहा है कितना आएगा, जरा से कमेंट करके बताइएगा कितना आएगा, केवल आपको पढ़ना है 64। 64 में ऐसे प्रश्न में क्या करना होता है, केवल केवल गुणा करना होता है, क्या करना होता है, केवल केवल गुणा करना होता है। यहाँ पे देखते हैं एक प्रश्न नंबर 69 आपको पढ़ना है, यहाँ पे क्या पढ़ना है, 69 पढ़ना है, 69 में क्या है, 5 अंक छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 74 से भाग देंगे, इसमें हमने क्या किया, पहले वो संख्या लिखते हैं फिर 9 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई विशेष तो मेहनत था। 68 प्रश्न नंबर 68 थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ये बताइए 68 कितने लोग लाइव है पहले कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम नई चीजें पढ़ाएं तो रिविजन करें। आगे बता दे, रिवीजन करने को रहने दे, तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा जो लाइव है। बताइए आप लोग, बस एक लोग जी, दो लोग, बाकी लोग वीडियो बाद में देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना था, विशेष कोई कुछ नहीं करना था, 68 वाला प्रश्न प्रायः जो है बड़े परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड डी होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे मैंने दिया है, ये भागे बी, बी भागे सी, सी भागे डी होगा, तो ए का बटे सभी का मल्टीपल लिख देते हैं, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर 14400/64×9 कर दिया, 25 इसका उत्तर आया था, ठीक है। और बस, और 72 हो गया, 73 में भी, हाँ 73 प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण था, यदि ए बी सी डी चार क्रमागत संख्याएं हैं, ए और डी का योग 103 है, तो बी सी का गुणनफल क्या होगा, हमने तो मान लिया था इसका जो लगाने का तरीका था, ये 73 देख लीजिएगा, 73, 74 इम्पोर्टेंट है, 75 भी इम्पोर्टेंट है, 76 भी इम्पोर्टेंट है, ये सभी लॉजिकल प्रश्न थे, इन सभी को मैंने बता दिया था, ठीक। और 77 में हाँ महत्वपूर्ण था, 80 तो आप लोगों ने बता दिया, 79 भी आप लोगों ने बता दिया, 78 भी बता दिया, नहीं थका, गर्दन दर्द होने लगता है ना, झुके झुके गर्दन में दर्द होने लगता है, नींद नहीं आती, ये गर्दन जो होता है स्पाइन प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे लगता है, ऐसे सामने पढ़ाना होता तो कोई दिक्कत नहीं, 4-4 घंटे क्लास पढ़ाते हैं, लेकिन झुक के पढ़ाने में काफ़ी समस्या होती है, तो हाइट भी ज़्यादा है इस वजह से और दिक्कत होती है। ये सवाल हो चुके हैं, ठीक है, ये कैरेट का सवाल हो गया, अब हम लोग आगे सवाल हल करते हैं, ठीक है, यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ने के लिए, थैंक यू। हम कुछ प्रश्नों को रिपीट कर लेते हैं, शायद आपके सामने आ जाए, तो यहाँ पे है कि पहला प्रश्न है, देख लीजिए जल्दी जल्दी एक रिविजन कर लेते हैं हम यहाँ से प्रश्नों को, ताकि आपका एक बार कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। पहला प्रश्न आप सभी लोग कर लेंगे, कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक संख्या है, तो उम्मीद करता हूँ इसमें सारे सवाल आप लोग कर लेंगे, कह रहे हैं प्राकृतिक संख्या, इसमें प्राकृतिक संख्या 1 होगी, ठीक है, क्या होगी, 1 होगी, क्यों 1 होगी, क्योंकि ये क्या है पूर्ण संख्या, ये ऋण पूर्णांक और ये अपरिमेय है, ठीक। आगे देखते हैं इसमें 9 का स्थानीयमान, 9 के बाद कितने संख्या है, 4, तो 4 संख्या माने इसका बी जवाब होगा, ठीक है, 4 संख्या ना, 2 2 4 1 5, हाँ ये होगा,
दूसरे का डी होगा। ठीक है, अब इसमें क्या रहा है, दो का स्थानिमान दो के बाद तीन संख्या, इसका मतलब स्थानिमान और जातिमान अंतर माइनस दो करेंगे तो 1998। ठीक, इनमें सात के स्थानिमानों का अंतर बताइए, सात के स्थानिमानों का अंतर क्या होगा, ये हो जाएगा, ये क्या करेंगे, ये सात के बाद 7000 माइनस सात करेंगे। ठीक, आप भी नहीं, गलती से हो गया था, डी ही था। इन्हें पांच के अंकित मानों का योगफल, किसी भी संख्या का अंकित मानों का योग क्या होता है, उनका योगफल होता है माने ये 10 होता, क्या होता है 10 होता। ठीक, ये बताइए जरा तो आप लोग, ये प्रश्न नंबर तीसरा क्या करना है आप लोगों को, जरा कमेंट करके बताइएगा। आठ का स्थानीय मान क्या होगा, आठ का स्थानीय मान आठ के बाद 2 0 है, क्या होगा इसका, इसका बताइए आप लोग। सिक्स का क्या होगा, जी हाँ, एट के बाद 2 अंक है तो यह हो जाएगा, और ये 7 का क्या होगा, एक का स्थानीय मान क्या होगा, एक के पहले 3 अंक है, 3 दशमलव पे होना चाहिए, इसका मतलब बी इसका राइट आंसर है। पांच का नए जमानों का योगफल बताइए, पांचवा जल्दी कमेंट करके बताइएगा, नए जमानों, नए जमानों का योगफल, देखिए नए जमान क्या होता है, दी गई संख्या का नए जमान अंकित मान, नए जमान को अंकित मान कहते हैं, फ्रेश वैल्यू कहते हैं, फ्रेश वैल्यू, नए जमान को फ्रेश वैल्यू कहते हैं, फ्रेश वैल्यू कहते हैं, इसका मतलब 10 होगा, क्या हो जाएगा 10। अंकित मान कहते हैं, नए जमान कहते हैं, जाति मान कहते हैं, इसके तीन नाम है हिंदी में। में सात के नए जमानों का अंतर क्या होगा, किसी भी संख्या के नए फ्रेश वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज 0, हमेशा क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, और ये संख्या के बराबर क्या होगा, देखिए यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो, उसकी घातांक चाहे जितनी भी लगा दे, उसके इकाई का अंक हमेशा वही आता है, इसके इकाई का अंक 6 आएगा, और 6 क्या है, एक सम संख्या है, 6 क्या है, एक सम संख्या है, 6 क्या है, एक सम संख्या है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब बी में क्या है, यदि एक्स और वाई दोनों विषम संख्या है तो एक्स प्लस वाई क्या होगा, यदि एक्स और वाई दोनों विषम संख्या है तो एक्स प्लस वाई क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा एक्स प्लस वाई क्या होगा, आप जल्दी से जवाब दीजिएगा x प्लस वाई क्या होगा। भैया किसी भी अगर दोनों विषम संख्या, जैसे मान लीजिए 3 प्लस 5 है, क्या होगा 8 होगा, 8 क्या है एक सम संख्या होगा, हमेशा क्या होगा सम संख्या होगा, क्या होगा सम संख्या होगा। अगला है निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा इसमें से गलत कौन है, ने तीन सही है एक गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कमेंट करके बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। -44 क्या है, वास्तविक संख्या, पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक है, कौन सा गलत है, चार विकल्प में से गलत है, ऋणात्मक संख्या ये तो सही है ना, पूछा कौन सा गलत है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 12 से 23 तक आपको गलत कथन पहचानने हैं। बताइए देखिए इसमें ये होगा जो गलत है वही सही होगा, क्यों, क्योंकि ये वास्तविक संख्या है सही बात, पूर्णांक है सही बात, ऋण पूर्णांक है, लेकिन ये गलत है, जो गलत है वही सही है, इसका होगा प्राकृतिक संख्या। ठीक, अगला बताइए 0 1 है क्या है, इसमें से कौन सा गलत है, प्रश्न नंबर 13 में कौन सा गलत है, कमेंट करके बताइए कौन सा गलत है, सही कथन नहीं बताना है आपको, गलत कथन बताना है, कौन सा विकल्प गलत है। कौन सा गलत है, कौन सा गलत है,
भैया जी, 0 एक प्राकृत संख्या नहीं, पूर्णांक है, हाँ है, पूर्ण संख्या हाँ है, वास्तविक संख्या हाँ, इसका क्या होगा? ए, जो गलत है वही सही होगा। ठीक, आप लोगों को तो हमने -2 क्या है, इसमें से एक गलत है, वही गलत बताइए आप, इसमें से एक गलत है, कौन सा गलत है भाई बताइए आप, कौन सा गलत है? अरे कौन सा गलत कथन है? कौन सा गलत कथन है? ये सम संख्या है, सही बात, ये पूर्णांक है, सही बात, वास्तविक संख्या, सही बात, ये पूर्ण संख्या, जी नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है, यही गलत है और यही सही है, क्योंकि 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या है? प्रश्न नंबर 15 बताइएगा, -4/4 से 3/4 क्या है, बताइए क्या है, -4/3 क्या है, -4/-4 से 3/4 क्या है? एक गलत कथन पहचानना है, -19/4, यह परिमेय संख्या है, यह वास्तविक है, यह ऋणात्मक है, ए जो गलत है वही सही है, ये परीक्षा में एक गलत कथन पूछा आपका। ठीक, इसमें से गलत कथन पहचान के बताइए कि पाई एक क्या है, गलत कथन क्या है इसमें से ये बताना है। अब बताइएगा यहां पे, देखिए पाई क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, सही बात, वास्तविक संख्या है, सही बात, ये परिमेय नहीं है, क्योंकि पाई, देखिए पाई क्या होता है, किसी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात, हमेशा उसे ग्रीक भाषा के 22:7 में लिखा जाता है, जो 22/7 उसका सन्निकट मान होता है, पाई स्वयं अपरिमेय है, पाई का मान परिमेय है, तो ये सही है, ये जो गलत है वही कथन पूछा है, क्योंकि गलत कथन की आपका चयन करना है, गलत कथन ही आपको बताने है। ठीक, आपको क्या बताने हैं, गलत कथन को ही चुनकर बताने हैं। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग, अगला ये है, पॉइंट 3/4 क्या है, कमेंट करके बताइएगा क्या इसमें से नहीं है, 0.341 क्या है, परिमेय है, सही बात, धनात्मक है, सही बात, वास्तविक से अपरिमेय संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि यही गलत है, इसको बताना है, इसको लिख सकते हैं 34/100, मतलब 17/50, ये क्या है, प्रश्न नंबर 18, इसमें से गलत बताना है, 3 सही है, गलत है, गलत कथन की पहचान करिए आप लोग, इसमें से गलत कथन क्या है, ये क्या हो जाएगा, 4 सही, हमने पढ़ाया है 71/99, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, धनात्मक अपरिमेय नहीं है, और जो गलत कथन को ही पहचानना है, निम्नलिखित में से क्या गलत है, जो गलत है वही सही है, जो गलत है वही सही है, अगला इसमें से बता दीजिएगा, इसी के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, 97 क्या है, इसमें से गलत कथन बताना है, बताइए गलत कथन क्या है, आपको गलत कथन ही पहचान के बताने हैं, सोच लीजिए अगर आप यहां गलतियां कर रहे हैं, परीक्षा में गलतियां करेंगे तो क्या होगा, यहां तो हम लोग हैं बता दे रहे हैं ये गलत है वो गलत है, परीक्षा हाल में अगर गलतियां करेंगे तब कौन होगा आपके साथ, अब बताइए 97 के बारे में जान लेते हैं हम लोग, यह एक अभाज्य संख्या है, यह एक प्राथमिक संख्या है, यह एक ऋण संख्या है, लेकिन यह भाज्य संख्या नहीं है, और यही सही होगा, जो गलत है वही सही है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है, 2 अंकों की सबसे बड़ी ऋण संख्या 97 है,
दो अंकों की प्राथमिक संख्या क्या है? 97 है। इसमें गलत कथन पहचानना है, कौन सा कथन? गलत कथन जी। एक क्या है? अच्छा, एक क्या है कमरे बताइएगा, एक क्या है, एक क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, धनात्मक संख्या क्या होगा? इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा कथन गलत है, कमेंट करके बताइएगा। गलत कौन सा है? 20 का गलत, सही नहीं बताना है, वो गलत कथन बताने हैं। आप लोग सही वाला बताते क्यों जा रहे हैं, आप गलत कथन बताइए भैया। सबसे छोटी विषम संख्या तो सही बात है, ये तो सही है ना, आपको गलत कथन बताना है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या धनात्मक संख्या भी भैया, जिसके सामने कोई चिन्ह हो, ये अभाज्य नहीं होती, याद रखिएगा। एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है, याद रखिएगा, नोट डाउन करिएगा। इसका उत्तर सी होगा 20 का। एक न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक, प्रश्न नंबर 21। 21 क्या है? 2-1 क्या है? दो क्या है बताइए। दो क्या है, इसमें क्या है क्या नहीं है, आपको गलत कथन बताने हैं। गलत कथन बताना है, थोड़ा सा ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। ये भगवान, देखिए अगर हम देखें तो दो क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सही बात। ये सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य है, ये सबसे छोटी सम संख्या भी है, लेकिन यह भाज्य संख्या नहीं है, यह गलत है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, क्या होती है? 4, क्या होती है? 4। और यहाँ पे क्या दे रहे हैं? ये 2, ये गलत है, जो गलत है वही सही, क्योंकि इसमें से नहीं पूछा है। देखिए आप लोग इतना छोटा छोटा गलती कर दे रहे हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? नहीं पता, चलिए तो नहीं पता है तो 3। प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं, इसमें से गलत कथन बचेगा। नहीं जी, भाज्य संख्या वे संख्या है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसके साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी कटे, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बता दीजिए, इसके बाद आपका सेशन खत्म हो जाए। 3 क्या है? इसमें से एक गलत कथन है, उसी कथन की पहचान करना है, सही विकल्प नहीं गलत विकल्प का पहचान करिए। 3 इसमें से क्या होगा? जो 3 को बता दिया, इसका मतलब आज के टॉपिक उसे समझ में आ गई, और नहीं बता पाया इसका मतलब हमारा पढ़ाना व्यर्थ गया। ऐसे क्वेश्चन ही तो परीक्षा में आजकल ट्रेंड में पूछे जाते हैं, कौन से इसमें से गलत है। देखिएगा, इसमें से पहले देख लेते हैं, यह एक प्राकृतिक संख्या, जी हाँ। 3 एक नेचुरल नंबर है, 3 एक होल नंबर है, मैंने ये भी सही है, ये भी सही है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, जी हाँ, क्योंकि देखिए 2, यहाँ पे अगर देखें 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य, सबसे छोटी विषम अभाज्य 3 है, लेकिन यह न तो भाज्य न अभाज्य गलत है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 तो अभाज्य है ना यार, 3 तो अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका विकल्प क्या होगा, 22 का ए राइट आंसर होगा। ठीक, आज का सेशन यहीं पे हम लोग खत्म कर देते हैं, क्योंकि काफी देर से हम लोग लगातार पढ़ रहे थे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट आ रहा हो, अब आप पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न आप टाइप करिएगा, उसका हम जवाब दे देंगे जी। कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहा हो पूछ सकते हैं। और इलेनी में दुर्गे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हमें भी अच्छा लगा आपके साथ मिलकर पढ़ने और पढ़ाने में। क्लास कैसी लगी आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट करके अपना जवाब हमें जरूर दीजिएगा। आप हमें कहीं भी लर्निंग विद दुर्गेश पे आप हमसे जुड़ सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही साथ हमारी क्लासेस इस समय आप यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, क्लासेस लाइव थी, बाद में भी आप इसे देख सकते हैं, और ये क्लासेस जी हाँ।